सागर, हमारे साथ एक जगह चलोगे? कहाँ? सवाल मत पूछो, चलो हम आते हैं भाऊजी। शालिग्राम जी, मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी लल्ला की कुंडली में मार्केश है, इसका मतलब उसे कभी पत्नी सुख नहीं मिलेगा, घर गृहस्थी बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। अरे आप ही समस्या का समाधान कीजिए महाराज जी। नहीं माता जी, तुम्हारे लल्ला की कुंडली में भयंकर मार्केश दोष है। भयंकर मार्केश? बचपन से उसके दिल में छेद था बाबा जी, किसी मुश्किल से उसको पाला पोसा। कुछ कीजिए बाबा जी, आप कुछ कीजिए, आपके पास ही रास्ता होगा। देखिए कुंडली आपके सामने है, आप कुछ रास्ता बताइए। अब चुप क्यों है बाबा? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा चाहिए आपको मिलेगा। एक उपाय है माता जी, महायज्ञ करना होगा, जो अमावस्या से दो रात पहले आरंभ होकर काली अमावस्या के आधी रात को संपन्न होगा। तो करवाइए ना। पहले एक बात बताओ माता जी, तुम्हारे लल्ला से सबसे अधिक लगाव किसे है? मैं सबसे अधिक प्यार मैं करती हूँ लल्ला से, इसलिए देखिए ना ये सब करवा रही हूँ। मैं अपने लल्ला के लिए कोशिश भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? तो फिर तो तुम भी अपने लल्ला को बचा सकती हो अपना बलिदान देकर। बोलो माता जी, अपने लल्ला के खुशी के लिए अपनी जान दे पाओगी? कर सकोगी अपने जीवन का बलिदान? अभी अभी तो कह रही थी कि मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने लल्ला के जीवन की खुशी के लिए अपने प्राण दे पाओगी? हाँ बाबा जी, मैं कर सकती हूँ। अपने लल्ला के लिए मैं अपने प्राण दे सकती हूँ। ये सुनकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई माता जी कि तुम अपने लल्ला से कितना अधिक लगाव करती हो। किसी के लिए भी अपने प्राणों को त्यागना कोई मामूली बात नहीं है। एक उपाय और है माता जी। एक उपाय और है? महायज्ञ के लिए एक कुंवारी कन्या को लगातार 3 रात तक तुम्हें शमशान घाट पर लेकर आना होगा और अमावस्या की रात्रि को ही उस कन्या के द्वारा बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? क्या उस कन्या को भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे? बाबा जी, ये संभव नहीं हो पाएगा। मेरे परिवार को ना इन बातों पर भरोसा नहीं, बहुत नाराज हो जाएंगे। एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे लल्ला की कुंडली में घातक महायोग है। उसकी 2 पत्नियों पर भी भारी है वो। यदि उपाय नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लल्ला को। पानी में डूब के मर सकता है, आग में जलकर जल सकता है, उसके ऊपर बिजली भी गिर सकती है माता जी। चुप चुप बोली महाराज जी, ऐसे मत बोलिए। अब इस उम्र में इतना सब नहीं सह पाऊंगी मैं। मुझे अपने लल्ला को बचाना है। आपको कुंवारी लड़की चाहिए, मैं लाऊंगी, और अगर कुंवारी लड़की नहीं मिले तो मैं अपनी जान की बलिदान दूंगी, लेकिन ये यज्ञ होगा, ये यज्ञ होगा। सुन सुन सुन, नीचा नीचे नीचे आना, मैं तोड़ रहा हूं। हाथ दे, नीचे उतरो, उतर। हो गया? नहीं, बस एक और। वो वाला एक है ना ये। प्लीज सागर, एक और ले।
खुश, अब घर चले, घर चल के खा लेना। नहीं 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 सागर, हमें घर जाकर नहीं खाना। फिर दादी, वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी वही जिनके पास आप गई थी, तभी तो बहुरानी जी पूछ रही है। वैद्य जी ने कुछ नहीं कहा, बोले कि भाई वही पुरानी वाली दवा ले लो और बस। मतलब अब दवा का असर हो रहा है। आप पूजा कर लीजिए, मैं आपके लिए गर्म दूध भिजवा देती हूँ। महाराज जी आ जाइए, थाल जी लीजिए। अम्मा जी हम लोगों ने कितना गलत किया ना अम्मा जी गंगा के साथ, अब सोचती हूँ तो लगता है क्यों अलग किया इन दोनों को, क्यों नहीं समझ पाए कि एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं दोनों, इतने स्वार्थी कैसे हो गई मैं, क्यों नहीं देख पाई दोनों की खुशी, नहीं समझ पाई कि गंगा ही है जो सागर को सारी खुशियां दे सकती है, निस्वार्थ प्रेम करती है उससे। शाबाश बेटा, खुश है पुलकित, ये रस्सी खोल के तुझे पता नहीं तूने हमारे मन से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। जब नीरू दिल्ली से आएगा ना, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा ये देख के बाप बेटे के बीच में जो दीवार थी टूट गई। लेकिन दादी, मेरी इस गलती के लिए वो मुझे माफ कर पाएंगे? परा, एक गलती हुई है उनसे कि उन्होंने तेरे सपने को अनदेखा कर दिया, पर उनकी उस गलती के लिए उन्हें बहुत बड़ी सजा मिल चुकी। नहीं वो, मैं उनके प्यार को समझ नहीं पाया, गलती मुझसे हुई, सजा मुझे मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी। जी बाबा बोलिए। मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, इस समय तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। अगर आज आधी रात तक तुम कुंवारी कन्या को नहीं ला सकी तो अनर्थ निश्चित है। बाबा मैं कैसे करूँ, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हेलो, शमशान घाट ले जाना है, लेकिन गंगा भी क्या बाबा के बारे में मानेगी? वो शालीराम जी बहू पुलकित और लल्ला को उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। अच्छा नीरू दिल्ली चला गया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल और बवाल हो जाता, क्या करूं। हाँ महाराज जी, हम अम्मा जी के लिए दूध लेके जा रहे हैं। अरे कहाँ रह गया भैया? चलो अम्मा जी, मिश्री डाल के तुम्हारे लिए दूध ले। अच्छा दवाई का टाइम भी हो गया ना, दवाई भी दे देते। तुझे तो सब कुछ याद है ना अभी तक लड़की? याद कैसे नहीं रहेगा अम्मा जी, हाँ कुछ दिनों के लिए हमारे बीच में नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन जो प्यार और आदर तुम्हारे लिए हमारे मन में, वो थोड़ी ना खत्म हुआ था। तेरे मन में लल्ला के लिए भी अभी वही लगाव है? गंगा को शमशान घाट ले जाना ही होगा। चल बहुत हो गया, जाओ तुम दूध पी लो, हम ले आते हैं। ये लो माँ जी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तू पी ले। हमें नहीं पीना। जब तक मिश्री ना पड़े तेरे गले से तो उतरेगा नहीं। मैं मिश्री लेके आती हूँ, आज तू दूध पी ले। ये है वो कुमारी लड़की।